हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ मीशो के पिटारे से साड़ियाँ। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं और ये सारी साड़ियाँ मैंने चुन्नी प्रिंट में बाई थी है। मुझे चुन्नी प्रिंट की साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार की साड़ियाँ। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। इससे मेरी प्यारी प्यारी वीडियो आपके पास पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन बहुत सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहली साड़ी कौन सी है जो मैंने मीशो पे पटाई। तो गाइस, सबसे पहली साड़ी ये है हमारे पास, चुन्नी प्रिंट की साड़ी है। इसे मैंने ओपन कर चुका है और एक बार पहन भी चुका है। बहुत ढीली चुपती है ये साड़ी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से रिव्यू दे सकती हूँ। इसका कपड़ा कैसा, इसका कलर निकलेगा भी नहीं। तो गाइस देख सकते हैं, ये है हमारी चुन्नी प्रिंट की साड़ी। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा इसमें काम किया गया है। कढ़ाई का वर्क जो है वो बहुत सुंदर है। सबसे पहले ये पल्ले पे कढ़ाई दी गई है, इस टाइप की कढ़ाई है, बहुत ही सुंदर कढ़ाई है। कितने सी की कितनी सुंदर कढ़ाई है। इसमें ग्रीन एंड येलो का भी काम है और ये साइड में पाइपिंग दी गई है ग्रीन कलर से। पूरे में ही आपको इस टाइप की कढ़ाई मिल जाएगी, प्लस इस तरीके के बीच बीच में बूटे मिल जाएंगे आपको, बूटे वाली कढ़ाई। और इसका कपड़ा गाइस बहुत सॉफ्ट है, बहुत हल्की साड़ी है। आप इसे पार्टी फंक्शन वगैरह में अपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये अंडर 600, आई थिंक 700 के अंदर की साड़ी है। बस ये इस तरह की बिल्कुल नहीं लग रही, 700 की साड़ी है। तो इस तरीके की पूरी आपको ये साड़ी मिल जाएगी चुन्नी प्रिंट में। इसका जो कपड़ा है वो जॉर्जेट का कपड़ा है, जॉर्जेट में ये पूरी कढ़ाई मिल जाएगी आपको। बहुत ही सुंदर वर्क है, पहनने के बाद तो बहुत ही अमेजिंग लुक देती है। न्यूली ब्राइड्स के लिए बहुत अच्छी साड़ी है। और ये जो आई थिंक 40 सेंटीमीटर का जो कपड़ा है, ये जो हमारे साड़ी वेयर करते हैं तो अंदर की तरफ आता है, उस पे बस कढ़ाई नहीं। तो गाइस इसका जो ब्लाउज है वो इस तरीके का मिल जाएगा आपको, ये ग्रीन कलर का ब्लाउज देगा और स्लीव्स में ये कढ़ाई आ जाएगी। बाकी ये ब्लाउज प्लेन है, सिर्फ कढ़ाई जो है वो स्लीव्स में आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट साड़ी हमारी कैसी है। तो नेक्स्ट साड़ी मैंने ये रेड कलर की है, रेड कलर की साड़ी। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसे ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में, डिस्काउंटेड रेट में मिल रही थी। इसलिए मैंने अपनी भाभियों के लिए ही साड़ी ले ली है, 4-5 साड़ियां ली है मैंने। इस साड़ी का भी कपड़ा सेम है, जॉर्जेट का कपड़ा है और इस टाइप का काम आ जाएगा। इसमें कढ़ाई वर्क है, इस पे कढ़ाई से हाथी बने हुए हैं और ये आपका पल्ला आएगा इसमें। और बाकी ये नीचे पूरी कढ़ाई वाली साड़ी है, कपड़ा सेम है और ये बूटे आ जाएंगे बीच बीच में, कढ़ाई वाले बूटे। पूरी साड़ी इसी तरीके की बहुत सुंदर साड़ी है। वेयर करने के बाद भी बहुत सुंदर लुक देती है आपको, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर साड़ी है ये। तो गाइस मैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो प्लीज जल्द से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये साड़ी अच्छी लगती है और आपको लेना हो तो जल्दी से इसे बाय कर लीजिएगा। तो गाइस नेक्स्ट साड़ी हमारी है, ग्रीन कलर की साड़ी है। मुझे चुन्नी प्रिंट की साड़ियाँ बहुत पसंद है। मुझे 3 कलर चाहिए थे, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। बट ब्लू तो नहीं मिला, तो मैंने रेड और ग्रीन अपने लिए ऑर्डर किया है। और 2 रेड साड़ियां जो है वो मैंने अपनी भाभी के लिए भी ऑर्डर किया है, ये भी सेम साड़ियां। प्राइस देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, इसका कपड़ा उस कपड़े से, वो साड़ी से थोड़ा सा अलग है, वो ज्यादा सॉफ्ट थी। ये इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा नहीं है पहले की जैसे 2 साड़ियां थी। बाकी ये बहुत सुंदर इसमें कढ़ाई का वर्क है, आप देख सकते हैं मोर पंख बने हुए हैं। और मुझे मोर पंख से रिलेटेड सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है। बीच बीच में इस तरीके के मोर पंख बने हैं, पूरी इस तरीके से कढ़ाई दी गई है। ये इसमें थोड़ी कम घनी कढ़ाई है, पहले के जो 2 साड़ी थी इसमें ज्यादा घनी कढ़ाई थी। बाकी ये साड़ी ऑल ओवर बहुत सुंदर साड़ी है, ग्रीन कलर की है। तो अगर आपको ये साड़ी अच्छी लग रही होगी तो
आप उसे डेफिनेटली बाय कीजिएगा, बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसलिए जो है रेड कलर का ब्लाउज आया है, तो ब्लाउज ओके ओके टाइप का ब्लाउज है, आप तो किसी भी अदर ब्रांड के ना तो ब्लाउज पे का इस साइड को वेयर कर सकते हैं, या फिर येलो कलर के ब्लाउज। आप सोच रहे होंगे कि ये पागल है क्या, ये रेडी इसने पूरी की पूरी रेड वो पिंडी प्रिंट की साड़ियाँ ज्यादा ऑर्डर कर ली, तो वैसे ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, मैंने आपके साथ रिंग भी शेयर किया है, मेरे लिए सिर्फ दो साड़ियाँ ऑर्डर करी थी मैंने, ग्रीन और रेड, बाकी दो जो साड़ियाँ रेड कलर की वो मैंने अपने भाभियों के लिए खरीद थी, इनको भी मैंने रेड की चुन्नी पहन के साड़ी मंगाई थी, तो उनको भी सेम ही साड़ी चाहिए थी, उनको बहुत पसंद। तो गाइस देख सकते हैं नेक्स्ट साड़ी हमारे पास ये है रेड कलर की, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है, इस तरीके की डोली बनी है, अब डोली बनी है, न्यूली ब्राइड के लिए बहुत अच्छी साड़ी है ये, और ये अंडर 700 की साड़ियां हैं। मैं यहाँ साइट पे आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी कौन सी साड़ी कितने की है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरी इस तरीके की साड़ी मिल जाएगी आपको पूरी साड़ी में, कलर का ही ब्लाउज आया है, आप चाहें तो ब्लाउज मंगवाइए, तो किसी अदर ग्रीन कलर के ब्लाउज के साथ ज्यादातर साड़ियाँ जो है वो रेडीमेड ब्लाउज के साथ ही वेयर करती हूँ, बहुत कम ब्लाउज सिलवाती हूँ। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर आपको इनमें से कोई भी साड़ी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, आपको परचेज करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और अगर ये साड़ी भी अच्छी लग रही है तो इसका भी और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अच्छी साड़ियों के हॉल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए आपको किस तरीके की हॉल वीडियोस चाहिए या किस तरीके की साड़ियाँ आपको पसंद है, तो मैं उस तरीके की साड़ियों के हॉल वीडियोस शेयर करूंगी आपके साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बाय बाय, लव यू।